अमेरिका में जो मोदी जी जाके अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे थे, ये इसका तो नतीजा नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पे बेड की कमी है, तो कहीं पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है जो कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जो भारतीय सरकार को टाइम मिला था एक साल के अंदर। लेकिन भारत सरकार जो अमेरिका को अपना पक्का दोस्त समझता था, वही दोस्त जो था दुश्मन का काम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को तो पता होगा कि कोरोना के कारण भारत का स्थिति एकदम डगमगाया हुआ है, लेकिन जो भारत जो है अपना अमेरिका को सच्चा दोस्त मानता है, लेकिन वही अमेरिका जो है ऐसे हालात में भारत को धोखा दे दिया। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने भारत के कच्चे मालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस चीज़ के कच्चे मालों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वैक्सीन को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसके कच्चे मालों के निर्यात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का मानना है कि वह जुलाई तक पहले अपने नागरिकों को सक्सेसफुली वैक्सीन को दे दे, इसके बाद वो भारत को निर्यात करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हमारे मोदी जी हैं कि जब कोरोना काल चल रहा था, भारत में एकदम स्थिति भयावह था, तभी उन्होंने विदेशों तक लोगों को वैक्सीन भेज के मदद किया था, अपने देश का तो ख्याल ही नहीं रखा। या तो फिर हम ये इसका नतीजा कह सकते हैं कि अमेरिका में जो मोदी जी जाके अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे थे, ये इसका तो नतीजा नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह नहीं रहा हूँ, आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं ये इसका नतीजा है कि क्या है। अच्छा चलिए, ये तो बात होगी कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत सरकार को भी सजग होना चाहिए कि आत्मनिर्भर बने, केवल आत्मनिर्भर का नारा देने से थोड़े ना। अच्छा, अमेरिका ने अब कच्चे मालों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो भारत को कच्चा माल मिलेगा कहाँ से? भारत को कच्चा माल के लिए अभी पूर्णतः चाइना के ऊपर डिपेंड होता है, और आप जान रहे हैं कि भारत और चाइना का स्थिति अभी कैसा है। भारत अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता जो बहुत ही व्यापक है, अमेरिका आप सोच रहे हैं इतना उछलता क्यों है? अमेरिका इसलिए इतना उछलता है क्योंकि उसके पास दुनिया में दबदबा बनाने के लिए उसके पास टॉप 5 कंपनियां है, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजन हो गया, और इसके बाद वॉलमार्ट कह लीजिए, ये सब सारी जो कंपनियां हैं इसके चलते अमेरिका इतना उछलता है। भारत को ऐसे स्थिति में सोचना चाहिए कि हम अपना खुद का ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करें जो इन कंपनियों को मात दे। ये प्रतिबंध भी लगाने से नहीं काम होगा, प्रतिबंध लगाइए लेकिन उस पे क्या होगा कि आपको अपना अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे इस राय पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा।